हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। कभी कभी क्या होता है ना कि आप दो शीट्स या तीन शीट्स बना लेते हो और फिर कंपैरिजन में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मान लो कि अगर आपने दो शीट बनाया है तो आप क्या करते हैं जनरली, जैसे मान लीजिए ये आपने एक शीट बनाया माई डेटा नाम से, यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है और माई डेटा में कुछ डेटा है, डेटा यहाँ पे दिया गया, ये एक बड़ा छोटा सा डेटा है लेकिन आपके पास हो सकता है कि बहुत लार्जर डेटा हो। ऐसे में आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपको बार बार क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अगर इस डेटा को देख रहे हैं तो ये माई डेटा वाले शीट पे होना चाहिए और अगर इस पे चले जाते हैं तो ये दूसरा वाला शीट जो है दिखता नहीं है, तो ऐसे में प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, बार बार जो है इसको पहले इस पे क्लिक करना होता है फिर इस पे क्लिक करना होता है, तो ऐसे में कंफ्यूजन भी हो सकती है आपको। तो इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका बताता हूं आपको करना क्या है। ठीक है, आपको सीधा चले जाना है व्यू टैब पर, ये व्यू टैब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहां पर जाकर के न्यू विंडो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर वापस आना है आपको व्यू टैब पर और व्यू टैब पे आने के बाद अरेंज ऑल पे जाना है। और जैसे ही अरेंज ऑल पे जाते हैं तो यहां देखिए टिल्ड लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कास्केड है, तो आपको वर्टिकल पर आकर के और यहां से ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे ना तो यहां पर दो विंडो खुलती हुई नजर आएंगी, देखिए दो विंडो खुल गई है। ठीक है, अब ये दोनों सेम विंडो है लेकिन पहले वाले में हमको चाहिए माई डेटा वाला जो रिकॉर्ड है उसको देखना है, तो माई डेटा वाले पे क्लिक कीजिए। अब इसको मैच कर लीजिए, पहले में क्या है रीमा है, यहाँ पर पहले में रीमा है, चलिए ये तो सही है। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, दूसरे में सीमा है लेकिन यहाँ पे सलमान है, तो यहाँ पे ये नॉट मैचिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉट मैचिंग है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि कंपैरिजन के लिए ये बेहतर तरीका एक्सेल में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बार बार ऑन ऑफ के चक्कर से आपको आजादी मिल जाएगी और उम्मीद करता हूं कि आपको बात भी समझ में आई होगी कि यह तरीका कितना हेल्पफुल है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए।